श्लोक नंबर 48 में लखो छंद वसंत तिलका अने अलंकार छे दीपक तेमज अर्थांतरण न्यास, दीपक तेमज अर्थांतरण न्यास जोई लो। जायम दियो हरती सिंचती वाची सत्यम मन उन्नति दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पूषाम। समझी लो, सज्जनोनी सोबत थी बुद्धिनी जड़ता दूर थाय छे, वाणी में सत्यनु सिंचन थाय छे, सन्मान में वधारो थाय छे, पाप नाबूद थाय छे, मन ने प्रसन्न करे छे अने दसे दिशाओं में कीर्ति फैलाय छे। बोलो सज्जन मणसोनी सोबत शू नथी करती। सज्जन मणसनी बात करी छे के आपणे सज्जन मणस साथे जोड़ाइए तो बुद्धि शार्प बने छे तीक्ष्ण, कारण के एनी साथे जे चर्चा करिए। संस्कृत में एक सुभाषित छे, काव्य शास्त्र विनोदेन। होशियार मणस होय ए मोटे भागे पोतानो समय विद्या में ज काढ़े, एटले बुद्धि शार्प बने छे। बीजू नॉलेज नु काम करे छे, कंक ने कंक समझवानु काम करे छे, एटले वाणी में सत्य आवे छे। आ बधुं थाय एटले ऑटोमेटिक तमारुं सन्मान वधे छे। पाप तो करे ज नहीं, कारण के एनुं काम में ध्यान छे। तमे जो तमे कोई के एक सवाल वाँचीने ऊभा थया तो तमारुं मन प्रसन्न थई जाय छे कि हाँ सवाल पूरो, मन प्रसन्न थाय छे। अने आ बधुं थाय एटले कीर्ति, माणसनुं नाम, माणस कामथी ना ओळखाय नामथी ओळखाय, सॉरी नामथी ना ओळखाय कामथी ओळखाय। એટલે કામ, તમારું કામ બોલે છે। કામ એટલા માટે બોલે છે કે બધા જ કામ કર્યા છે। આ બાજુ અવાજ નહીં, મારો અવાજમાં ધ્યાન જાય છે, અવાજ બંધ। કામ છે, એ કામ તમને ચારે તરફ કીર્તિ અપાવે છે, એટલે સજ્જનની સોબત આ બધી બાબતો કરી શકે છે। સજ્જનની સોબત જ કરવી જોઈએ એમ આપણને અહીંયા બતાવ્યું છે।